नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। पैन कार्ड बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे पैन कार्ड बनाना है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। कोई भी स्टेप अगर आप स्किप करते हैं तो वो ज़िम्मेदारी आपकी रहेगी अगर आपका पैन कार्ड अगर ख़राब हो जाता है तो। इसलिए पूरी वीडियो देखिए और अच्छे से एक बार में अपना पैन कार्ड बना लीजिए। और पैन कार्ड सभी जगह आजकल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और मैं आपके लिए ई डिस्ट्रिक्ट संबंधित, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी संबंधित, कुमाऊं यूनिवर्सिटी संबंधित और SSJ यूनिवर्सिटी संबंधित सभी नोटिफिकेशन लाते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम अपना एक ब्राउज़र खोल लेते हैं। अगर आप एक CSEVLE हैं तो आप अपने सीधे डिजिटल सेवा पोर्टल के पोर्टल पर जा सकते हैं। तो आपने यहाँ से सिंपल से अपना डिजिटल सेवा का पोर्टल ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपने डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो यहाँ पर जो सर्च बॉक्स आ रखा है, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ पर पेन सर्च करना है। जैसे आप पेन सर्च करते हैं, सेकेंड नंबर की आपने वेबसाइट को क्लिक ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आता है UTI TSL का। तो आपने क्लिक हेयर पर VLE यूज़र के लिए क्लिक हेयर पर आप क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई न्यू पेन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर न्यू पेन 49A आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप 49A पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन और एक ये खुल के आता है, डैशबोर्ड खुल के आता है। आपने यहाँ पर फिजिकल मोड पे ही इसको रहने देना है, आपने यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। आपने यहाँ पर नीचे जो स्टेटस ऑफ अप्लीकेंट आ रखा है, आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपने इसको इंडिविजुअल पर सेट कर लेना है। और यहाँ पर बोथ फिजिकल पैन कार्ड और ई पेन आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपको फिजिकल पेन नहीं चाहिए तो आपने यहाँ पर ई पेन ओनली पे आपने यहाँ पर क्लिक करना है। हमको जैसे कि दोनों पेन कार्ड चाहिए, आप हमने यहाँ पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड खुल के आता है और रेफरेंस नंबर आपका ये मिल गया है। अगर आप इसको कॉपी करके रखते हैं, अगर आप इसको आधे में से छोड़ते हैं तो आपको इसी रेफरेंस नंबर से आप अपना आगे का काम, बस रुका हुआ काम, पेंडिंग काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली इसको ओके कर लेते हैं और वही जो आपका रेफरेंस नंबर है यहाँ पर भी आपको दिखाई देता है। इतना करने के बाद आपने ये जो पर्सनल डिटेल है, अपनी सारी पर्सनल डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि मैं भी जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। आपने ये सारी अपनी जो जितनी भी डिटेल है, अपनी पर्सनल डिटेल है, ये आपने यहाँ से पूरी फिल कर लेनी है। इस टाइप से आपकी जो फिल रहेगा, जो आधार कार्ड नंबर रहेगा, आप जब एक बार डालेंगे तो दोबारा फिल करने के लिए फिर बोलेगा, आपने उसको दोबारा भी फिल कर लेना है। उसके बाद से आप आ जाते हैं डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट में। आपने इन तीनों में आधार कार्ड इशूड बाय UIDAI इन कॉपी को सिलेक्ट करके मेक पेमेंट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है ₹107 उसकी फ़ीस होती है। आप इसको अपने CSE वॉलेट से कटवा सकते हैं पासवर्ड डाल के, उसके बाद से अपना वॉलेट पिन डालेंगे। जैसे ही करेंगे तो आपका पे हो जाएगा, ये सक्सेसफुली पेमेंट डन हो जाएगी। आपने यहाँ से कंटिन्यू करके आप पहुँच जाते हैं कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट्स डिटेल पर। आपका यहाँ पर दिखाता है कि आधार ऑथेंटिकेशन, यू आधार ऑथेंटिकेशन डन सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर आपका ये दिया जाता है। आप जैसे ओके पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपना टेलीफोन नंबर, आपने यहाँ से टेलीफोन इंडिया को सिलेक्ट करना है। एरिया कोड छोड़ दीजिए, टेलीफोन नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। टेलीफोन नंबर आप डाल के यहाँ से आप अपना मेल आईडी आप ज़रूर डालें,
क्योंकि मेल आईडी इस पे ही आपका ई पैन कार्ड आएगा, और भविष्य में अगर आप पैन कार्ड खो जाता है तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से आपने पेरेंट्स डिटेल पे आपने क्लिक करके और यहाँ पर इसको नो पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें फादर नेम मैंडेटरी होता है। नो करेंगे तो फादर नेम आएगा, अगर यस करेंगे तब माता जी का नाम आएगा। तो उसके बाद से आपने यहाँ से मदर नेम इसको छोड़ देना है, और यहाँ पर जो सेलेक्ट द नेम ऑफ इधर फादर ऑफ मदर विच यू मे लाइक टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, आपने उसी का नाम सेलेक्ट करना है जिसका नाम आप पैन कार्ड के प्रिंट पे चाहिए। आपने यहाँ पर उसका फादर नेम आपने क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद आपने यहाँ पर एड्रेस डिटेल पे क्लिक करके जो पेमेंट को अगर आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप आ जाते हैं एड्रेस डिटेल पे। आपने एड्रेस डिटेल यहाँ पर पूरा फिल कर लेना है। यहाँ पर अपना गांव का नाम डाल दीजिए, यहाँ पर भी डाल सकते हैं अगर आपका प्लॉट नंबर विलेज वगैरह है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, यहाँ पर अपनी जो है सब डिवीज़न है आपकी तहसील ब्लॉक वगैरह है यहाँ पर डाल दीजिए। पिन कोड फिल कर लीजिए, इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, और ऑफिस एड्रेस को आप छोड़ देना है। और अगर ऑफिस एड्रेस को आप तभी सेलेक्ट करना जब आपका ऑफिस होगा, ऑफिस नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद से आपने नो इनकम पे आपने क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो है एओ कोड, प्लीज़ चेक एओ कोड, आया आपका यहाँ पर दिखा देता है एओ कोड आपका। जो यहाँ पर एओ कोड ये है आपका, जैसे एड्रेस डिटेल आप डालते हैं तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेता है और आपका ये दिखा देता है। इतना करने के बाद ये आपका हो गया है। इसके बाद आप इस जो रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस एड्रेस डिटेल है इसको भी आप छोड़ दीजिए, और यहाँ पर आपने यू डू हेयर बाय डिक्लेयर द वट एवर स्टैंड एवब इज ट्रू इन द कैपेसिटी ऑफ पे आपने हिमसेल्फ और हर सेल्फ पर क्लिक करके आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई देता है, ये ऑप्शन दिखाई देता है लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड में। जब आप अदर डिटेल सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है और प्रिंट आउट उसका आप निकाल लेना है। वो प्रिंट किस टाइप का होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा आपका इस टाइप का, ये आपके सामने डाउनलोड होके आ जाता है। ये दो पेजेस का होता है, ये आपने डाउनलोड करके रख लेना है। जैसे आप डाउनलोड करते हैं उसके बाद से आपने एक यहाँ पर फ़ोटो लगानी है। यहाँ पर आप जैसे फ़ोटो लगाते हैं, इस फोटो में आपने यहाँ से क्रॉस सिग्नेचर करते हुए आगे को बढ़ जाना है। क्रॉस सिग्नेचर करके इसको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटो लगानी है, इस फोटो को आपने सिंपल छोड़ देना है, और यहाँ पर आपने जो है उनके सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर करते हैं तो आपने सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है, नहीं तो आपने लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपने यहाँ पर ले लेना है। दो सिग्नेचर यहाँ पर हो गए। उसके बाद से जो तीसरा सिग्नेचर होता है सेकेंड पेजेस में, यहाँ पर आपने करना है। अगर आप थंब लगाने वाले हैं तो यहाँ पर आप थंब लगा सकते हैं। इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। इतना करने के बाद आप फिर से अपने डिजिटल सेवा से पैन लॉगिन करके आप यहाँ पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पर आपने अप्लाई फॉर न्यू पैन किया था वहीं पे नीचे आप देखेंगे कि अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। आपने इस डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपने क्लिक कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने जो ऑप्शन आता है, जैसे आपने यहाँ से कि अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने जिसका भी आपने पैन कार्ड अपलोड किया है, जो अभी आपने पैन कार्ड आवेदन किया है, उसका नाम यहाँ पर आ जाता है। और आपने यहाँ पर उसके यहीं पर आपके सामने आता है अपलोड का ऑप्शन, आपने अपलोड करना है। अपलोड पर क्लिक करते ही आपने जो फॉर्म अभी डाउनलोड किया हुआ था आपने उस फॉर्म की जो है पीडीएफ बना लेनी है। 200 DPI पर आपने उसको स्कैन करके दोनों की पीडीएफ बना लेनी है। पीडीएफ बनाने के बाद आपने उसको अलग एक फोल्डर में सेव कर लीजिए। दूसरा जो है आपने फ़ोटो को 213x213 में आपने सेट कर लेना है। 213x213 अगर आपसे सेट नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ वो सेट कैसे करना है।
जो फ़ोटो आपने उसको अपलोड करनी है उस फोटो पे आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और उस पर एडिट पर आ जाना है। एडिट करते ही आपके सामने पेंट जो है खुल जाता है। आपने यहाँ से सिंपल से रिसाइज पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर से जो पिक्सल का ऑप्शन है पिक्सल पर आपने क्लिक करना है और मेंशन एक्सेप्टेड रेशियो पर आपने क्लिक करना है और आपने इस फोटो को जो है 213x213 में आपने सेट कर लेना है। 213x213 आप जैसे सेट करते हैं तो आपके सामने ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनके रेडी हो जाती है। आपने इसको सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करते हैं तो आपने इसको कलर में ही अपलोड करना है। इसको अपलोड करने के बाद आपने जो सिग्नेचर हैं सिग्नेचर को 600 dpi पे स्कैन कर लेना है, वो भी ब्लैक एंड वाइट में। 600 dpi पे आप स्कैन करते हैं, उसको आप क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करके आप उसको सीधे डायरेक्टली इन तीनों डॉक्यूमेंट को अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो इतना कर आपका जो प्रोसेस है आपने इतना ही करना है। कुछ एक महीने बाद आप देखेंगे कि आपके घर पे आपका पैन कार्ड आ जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिए जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।